नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग लोकपाल शब्द आप सबने जरूर सुना होगा। बेसिकली अगर आप किसी बैंक अथवा एनबीएफसी के किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के संदर्भ में कोई समस्या रखते हैं तो आपके पास में एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बैंकिंग लोकपाल के रूप में उपलब्ध होता रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिसेंटली बैंकिंग लोकपाल का एक नया अवतार एकीकृत लोकपाल योजना यानी इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन स्कीम लाई गई है। ये इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन स्कीम क्या है, पिछली योजना से या पिछली स्कीम से इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, या ये क्या पर्पस आने वाले समय में सॉल्व कर सकती है, आज की वीडियो में सर इन्हीं विशेष बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये पॉइंट कि वाई दिस स्कीम, ये स्कीम क्यों लेकर के आए हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लास्ट 12 नवंबर को एक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम आरबीआई की ओर से जारी की गई। इस स्कीम का पर्पस क्या है, टू इंटीग्रेट द एग्जिस्टिंग 3 ऑम्बड्समैन स्कीम्स, यानी ऑलरेडी लोकपाल की 3 योजनाएं चल रही थी सर, या 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स चल रहे थे, उन सबको अब एकीकृत किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है टू प्रोवाइड कॉस्ट फ्री रिड्रेस ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग डेफिशिएंसी इन सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एंटिटीज रेगुलेटेड बाय आरबीआई If not resolved to the satisfaction of customer or not replied within 13 days by the regulated entity, मैं अभी आपके सामने regulated entity पर भी चर्चा करूंगा। सरल शब्दों में बोलूं तो सर, कोई बैंक या कोई एनबीएफसी जिसकी सेवाओं से आप संतुष्ट ना हो और आपने उन्हें कंप्लेन करी हो और उन्होंने आपकी कंप्लेन का जवाब नहीं दिया हो, या आपकी कंप्लेन का जवाब उन आपके ओपिनियन में सेटिस्फेक्ट्री नहीं है, संतोषप्रद नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन स्कीम के अंदर आरबीआई को अप्रोच कर सकते हैं कि आरबीआई आपको निश्चित समाधान दिलवाए। यहां देखिए दोस्तों, जो एग्जिस्टिंग 3 अम्बड्समैन स्कीम चल रही थी, एक बार क्विकली आपके सामने रखता हूं। द बैंकिंग अम्बड्समैन स्कीम 2006, अम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018 एंड अम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन 2019। ये 3 स्कीम्स अब तक अम्बड्समैन यानी लोकपाल के रूप में चल रही थी। अब इन तीनों स्कीमों को सर एकीकृत कर दिया गया, तो इसीलिए हमने नाम सुना अब इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन स्कीम यानी एकीकृत लोकपाल योजना। तो इस प्रकार से सर ये एकीकृत लोकपाल योजना अब अस्तित्व में आ गई है। क्विकली आपकी नजर दौड़ाता हूं इंस्टीट्यूशंस कवर्ड के इस एकीकृत लोकपाल योजना इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन स्कीम में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन कवर्ड हैं। ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विद डिपॉजिट्स ऑफ रुपीज 50 करोड़ एंड अबव, ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, एनबीएफसीज विद एसेट्स रुपीज 100 करोड़ एंड अबव, नॉन बैंक सिस्टम पार्टिसिपेंट। ये सारी संस्थाएं सर इस इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम का हिस्सा होंगी, यानी अगर आपको इन इंस्टीट्यूशन से किसी प्रकार की ग्रीवियंस है और आपकी ग्रीवियंस को इन संस्थाओं ने प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं किया तो आप इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन स्कीम में आरबीआई के थ्रू रेजोल्यूशन ले सकते हैं। ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं सर जो इस स्कीम के अंदर कवर्ड नहीं है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विद डिपॉजिट ऑफ लेस देन रुपीज 50 करोड़, एनबीएफसीज विद एसेट्स ऑफ लेस देन रुपीज 100 करोड़ एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, साथ ही साथ सर सीआईसी यानी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। ये संस्थाएं बेसिकली इस इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन स्कीम का हिस्सा नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। द कंप्लेंट्स पर्टेनिंग टू देम, यानी इन संस्थाओं से यदि आपको कोई कंप्लेंट है तो दैट विल बी कंटिन्यू टू बी हैंडल्ड आइदर बाय द कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल ऑफ द आरबीआई, जिसको ब्रीफ में सीईपीसी नाम मैंने यहां पर लिखा है, या नेशनल हाउसिंग बैंक इन द केस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। अब दोस्तों आपके सामने रख रहा हूं सेलियंट फीचर्स ऑफ द स्कीम, यानी इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं क्या है। मैंने यहां पर इंग्लिश में ही वर्जन लिया है लेकिन आपको हिंदी में मैं बोल करके अपनी ओर से समझाने की कोशिश करूंगा। इट विल नो लॉन्गर बी नेसेसरी फॉर अ कंप्लेंटेंट टू आइडेंटिफाई अंडर विच स्कीम ही शी शुड फाइल कंप्लेंट विद द ऑम्बड्समैन। यानी पहले जब 3 स्कीम्स थी तो आपको तय करना पड़ता था कि अच्छा मैं कौन से बैंकिंग लोकपाल के तहत या एनबीएफसी लोकपाल के तहत अप्लाई कर रहा हूं। अब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर जाकर के एप्लीकेशन करना है तो कस्टमर के लिए वो जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। इस स्कीम ने, द स्कीम डिफाइंस डेफिशिएंसी इन सर्विस एज द ग्राउंड फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट,
with a specified list of exclusions. Therefore, the complaints would no longer be rejected simply on account of not covered under the ground listed in the scheme. पहले सर क्या था कि तीन अलग अलग लोकपाल व्यवस्थाएं चल रही थी, तो कई बार जब आपने गलत हेडिंग के अंदर या गलत स्कीम के अंदर एप्लीकेशन कर दी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाती थी। अब सर एप्लीकेशन के रिजेक्शन की संभावना बहुत कम हो गई और एक कैटेगरी बना दी गई डेफिशिएंसी इन सर्विस बाय द स्पेसिफाइड एंटिटीज। तो वो स्पेसिफाइड एंटिटीज की डेफिशिएंसी इन सर्विस क्या है, वो आपको एक लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट में से आपको एक रिलेवेंट हेड पिक करके अपनी एप्लीकेशन लगानी है जहां आपको किसी प्रकार की कंप्लेंट है। तो द स्कीम हैज डन अवे विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ईच ऑम्बड्समैन ऑफिस। अभी तक सर अलग अलग ऑम्बड्समैन ऑफिस अलग अलग स्टेट्स के लिए या रीजन के लिए काम कर रहे थे, अब केवल आपको एक सेंट्रलाइज नोडल पॉइंट है आरबीआई का चंडीगढ़ ऑफिस, उसके थ्रू ये पूरी पर्टिकुलर स्कीम सर मैनेज की जाएगी। हाँ, वो जो ऑम्बड्समैन ऑफिस है जो चंडीगढ़ बेस्ड है जिसमें आपकी कंप्लेंट लगेगी वो रिलेवेंट ऑफिस से कोऑर्डिनेट करेगा, यानी आपको केवल एक नोडल पॉइंट है जहां पर अपनी कंप्लेंट लगानी। अ सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर हैज बीन सेटअप बाय द आरबीआई एट चंडीगढ़ फॉर रिसीट एंड इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल एंड ईमेल कंप्लेंट्स इन एनी लैंग्वेज। The responsibility of representing the regulated entity and furnishing information in respect of complaints filed by the customer against regulated entity would be that of principal nodal officer in the rank of general manager in public sector bank or equivalent. कितनी important बात है सर कि आप जो complaint लगा रहे हैं जब वो RBI में जाएगी तो RBI से coordinate करेगा relevant PSU public sector bank का एक GM या समकक्ष स्तर का अधिकारी जो किसी और इंस्टीट्यूशन के संदर्भ में हो, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हायर मैनेजमेंट लेवल का पर्सन आरबीआई के साथ आपकी कंप्लेंट के संदर्भ में कोऑर्डिनेट करेगा। द रेगुलेटेड एंटिटी विल नॉट हैव द राइट टू अपील इन केसेस वेयर एन अवार्ड इज इश्यूड बाय द ऑम्बड्समैन अगेंस्ट इट फॉर नॉट फर्निशिंग सेटिस्फैक्ट्री एंड टाइमली इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर कि पहले रिलेवेंट स्पेसिफाइड एंटिटी या रेगुलेटेड एंटिटी आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को या अदर लोकपाल को इन्फॉर्मेशन नहीं देती थी तो जो आपकी कंप्लेंट थी उसका स्टेटस अनरिजॉल्व रहता था। अब आरबीआई ने कह दिया सर कि आपकी किसी पर्टिकुलर कंप्लेंट पर अगर रिलेवेंट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना रिप्लाई नहीं दाखिल करता और आरबीआई ने आपके फेवर में एक अवार्ड जारी कर दिया तो इस अवार्ड पर जो रेगुलेटेड एंटिटी है यानी बैंक है वो फिर फर्दर अपील में आगे नहीं जा सकता। तो इसका मतलब बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFCs को प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा आपकी किसी पर्टिकुलर कंप्लेन पर आरबीआई को तत्काल जवाब देने के लिए। यहां आपके सामने दोस्तों रख रहा हूं फाइलिंग ऑफ कंप्लेन अंडर द स्कीम की। जो इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम आई है, एकीकृत लोकपाल योजना आई है, इसमें कंप्लेन फाइलिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा कि कंप्लेन्स कैन कंटिन्यू टू बी फाइल्ड ऑनलाइन एट http://cms.rbi.org.in। तो यही पहले भी एड्रेस होता था सर, कोई चेंज नहीं है, इसी एड्रेस पर आप ईमेल लिख सकते हैं या आप इस पोर्टल पर जाकर के अपनी कंप्लेन दाखिल कर सकते हैं। कंप्लेन कैन ऑल्सो बी फाइल्ड थ्रू द डेडिकेटेड ईमेल और सेंट इन फिजिकल मोड। आप फिजिकल मोड में भी सर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, उसका एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है। एड्रेस दिया गया है सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 4th फ्लोर, सेक्टर 17, चंडीगढ़, 160017। आप यानी अगर ईमेल से इतने कन्वर्जेंट नहीं है या ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन नहीं लगाना चाह रहे, कंप्लेंट नहीं देना चाह रहे, तो आप फिजिकली भी इस एड्रेस पर रजिस्टर्ड पोस्ट से, कुरियर से अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं। एडिशनली अ कॉन्टेक्ट सेंटर विद अ टोल फ्री नंबर 1-888 जो कि 9:30 से 5:30 बजे तक ऑपरेशनल रहेगा इज बींग ऑपरेशनलाइज इन हिंदी, इंग्लिश and in 8 regional languages to begin with and will be expanded to cover other Indian languages in due course. Thus, contact center will provide information clarification regarding the alternate grievance redress mechanism of RBI and to guide complainants in filing a complaint. So, आपको सर RBI का एक टोल फ्री नंबर भी मिल रहा है जिसके थ्रू आप अपनी कंप्लेंट के संदर्भ में उनसे क्वेरीज कर सकते हैं, योजना के बारे में जान सकते हैं, अपनी कंप्लेंट के स्टेटस के संदर्भ में भी कुछ इंफॉर्मेशन यदि चाहिए तो आप इस टोल फ्री नंबर के थ्रू पूछताछ कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष रख रहा हूं, व्हेन अ कंप्लेंट शैल नॉट बी मेंटेनेबल। आपकी कंप्लेंट इस इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन स्कीम में कब मेंटेनेबल नहीं होगी आपको ये पता होना चाहिए,
क्योंकि अगर आपकी कंप्लेंट ही मेंटेनेबल नहीं है और आप आरबीआई को इस इंटीग्रेटेड स्कीम के अंदर कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, तो फिर आपकी कंप्लेंट वॉइड हो जाएगी। नो कंप्लेंट फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विस शैल लाई अंडर द स्कीम इन द मैटर्स इन्वॉल्विंग। कौन से मैटर्स में सर? कॉमर्शियल जजमेंट, कॉमर्शियल डिसीजन ऑफ अ रेगुलेटेड एंटिटी। जैसे मान लीजिए आपने किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया और उन्होंने आपको लोन नहीं दिया, तो प्रोबेबली दिस विल नॉट बी अ केस ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन और कंप्लेंट बिफोर दिस पोर्टल। अ डिस्प्यूट बिटवीन अ वेंडर एंड अ रेगुलेटेड एंटिटी रिलेटिंग टू एन आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट। किसी ने रेगुलेटेड एंटिटी से बैंक में कोई पर्टिकुलर आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट किया, से लेबर सप्लाई किया और उनके बीच में और रेगुलेटेड एंटिटी में डिस्प्यूट हो गया, ये मैटर भी सर यहाँ पर इस कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी इस पोर्टल पर नहीं आएगा। अ ग्रीवियंस नॉट एड्रेस टू द ऑम्बड्समैन डायरेक्टली। ऐसी ग्रीवियंस जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने सर बैंक को तो चिट्ठी लिखी कंप्लेंट की और ऑम्बड्समैन को कंफर्मेशन कॉपी सीसी भेज दी, तो ये पर्टिकुलर मैटर अभी ऑम्बड्समैन इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन के कवरेज में नहीं आएगा। जनरल ग्रीवियंसेस अगेंस्ट द मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव्स ऑफ अ रेगुलेटेड एंटिटी। इसी प्रकार से अ डिस्प्यूट इन विद द एक्शन इज इनिशिएटेड बाय रेगुलेटेड एंटिटी इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर्स ऑफ अ स्टेचुटरी और लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी। यानी कोई ऐसा पर्टिकुलर डिस्प्यूट जिसका के एक्शन इनिशिएट किया रेगुलेटेड एंटिटी ने स्टेचुटरी या लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी की वजह से, फॉर एग्जाम्पल किसी के अगेंस्ट में सरफेसी की एक्टिविटी इनिशिएट करी या किसी और लॉ में एक्टिविटी इनिशिएट करी आईबीसी के अंदर, तो वो पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड कंप्लेन जनरली इस इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन पोर्टल पर नहीं आएंगी। अ सर्विस नॉट विद इन द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ द आरबीआई, यानी ऐसे पर्टिकुलर सर्विसेज जो आरबीआई के रेगुलेटरी परव्यू में नहीं आती। अ डिस्प्यूट बिटवीन रेगुलेटेड एंटिटी, दो रेगुलेटेड एंटिटी में ही आपस में डिस्प्यूट हो गया, वो भी सर सब्जेक्ट मैटर ऑफ अम्बड्समैन स्कीम नहीं है। अ डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप ऑफ अ रेगुलेटेड एंटिटी विल ऑल्सो नॉट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन स्कीम। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेन वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ कंप्लेन टू दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन स्कीम। तो दोस्तों मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ में जो स्कीम है उसका भी लिंक शेयर किया है। इसी स्कीम से ही मैंने ये बुलेट पॉइंट्स उठाए हैं जिसमें और कहा गया है कि व्हेन अ कंप्लेंट शैल नॉट लाई, यानी आपकी कंप्लेंट कब नहीं की जा सकती या वो कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी। अ कंप्लेंट अंडर द स्कीम शैल नॉट लाई अनलेस द कंप्लेंटेंट कंप्लेनेंट हैड बिफोर मेकिंग अ कंप्लेंट अंडर द स्कीम मेड अ रिटन कंप्लेंट टू द रेगुलेटेड एंटिटी कंसर्न। वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्या आप जिस रेगुलेट एंटिटी के अगेंस्ट में कंप्लेन कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई पर्टिकुलर आपकी कंप्लेंट है, जब तक आपने उस एंटिटी को एक कंप्लेंट नहीं दाखिल करी पहले, तब तक आप इस इंटीग्रेटेड पोर्टल पर नहीं आ सकते। द कंप्लेंट वॉज रिजेक्टेड होली और पार्टली बाय द रेगुलेटेड एंटिटी एंड द कंप्लेनेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई और द कंप्लेनेंट हैज नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई विद इन 30 डेज आफ्टर द रेगुलेटेड एंटिटी रिसीव द कंप्लेंट। यानी मान लीजिए आपको कोई रिप्लाई आ गया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, पहली बात तो ये हो, या आपने कंप्लेन करी और वो रेगुलेटेड एंटिटी को वो कंप्लेन मिले हुए अभी 30 डेज नहीं एक्सपायर हुए, तब जब तक ये 30 डेज नहीं निकलेंगे आप इस पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड अम्बड्समैन स्कीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। द कंप्लेंट इज मेड टू द अम्बड्समैन विद इन 1 ईयर। अब एक आउटर टाइम लिमिट ड्रॉ कर दी, द कंप्लेंट इज मेड टू द अम्बड्समैन विद इन 1 ईयर After the complainant has received the reply from regulated entity, or where no reply is received within 1 year and 30 days from the date of complaint, तो आपको एक outer time limit दे दी। Usually आप एक सरल शब्दों में बोलो तो 1 year की time limit है from the date on which either the complaint has been resolved by the specified entity, regulated entity, but you are not satisfied, or 1 year 30 days where you have filed a complaint but you have not received any reply from the specified रेगुलेटेड एंटिटी। कुछ और पॉइंट्स भी सर इसी संदर्भ में है कि व्हेन अ कंप्लेंट शैल नॉट लाई, और कौन कौन से पॉइंट है, कंप्लेंट इज नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन विच इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर एन ऑम्बड्समैन और सेटल और डेल्ट विथ ऑन मेरिट्स बाय एन ऑम्बड्समैन, ताकि रिपीटेटिव कंप्लेंट्स ना आए, वेदर और नॉट रिसीव फ्रॉम द सेम कंप्लेनेंट और अलॉन्ग विद वन और मोर कंप्लेनेंट्स और वन और मोर ऑफ द पार्टीज कंसर्न। जैसे एक ही कंप्लेन
चार पार्टीज द्वारा सेम कंप्लेंट कर दी गई, क्योंकि वो चारों वेस्टेड इंटरेस्ट रख रहे थे उस कंप्लेंट में, तो केवल एक पार्टी भी अगर कंप्लेंट फाइल कर रही है तो मेरे हिसाब से बाकी के पार्टियों को कंप्लेंट करने की इजाजत नहीं है। वेयर द मैटर इज पेंडिंग बिफोर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेटर और एनी अदर फोरम और अथॉरिटी। और कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। द कंप्लेंट इज नॉट एब्यूसिव और फ्रिविलस और वेक्शियस इन नेचर। द कंप्लेंट टू द रेगुलेटेड एंटिटी वॉज मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर लिमिटेशन एक्ट। द कंप्लेनेंट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज स्पेसिफाइड इन क्लॉज 11 ऑफ द स्कीम। तो क्लॉज 11 ऑफ द स्कीम है सर, उसमें फॉर्मेट में कुछ इंफॉर्मेशन मांगी है, वो आपको देनी है। कंप्लेंट इज लॉज्ड बाय द कंप्लेनेंट पर्सनली और थ्रू एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अदर देन एन एडवोकेट अनलेस द एडवोकेट इज द एग्री पर्सन। प्रोसीजर ऑफ कंप्लेन हैंडलिंग। अब आपके सामने ये भी बात रखता हूं सर कि जो कंप्लेन हैंडलिंग होगी इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले आपकी कंप्लेन की इनिशियल स्क्रूटनी की जाएगी आरबीआई द्वारा कि क्या आपकी कंप्लेन मेंटेनेबल है, एक्सेप्टेबल है या नहीं। फिर जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपसे मंगानी है या बैंक से मंगानी है, रेगुलेटेड एंटिटी से मंगानी है, आरबीआई वो इंफॉर्मेशन मंगाएगा। फाइनली आरबीआई रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेन करेगा। अगर आरबीआई को लगता है कि वास्तव में आपको क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए तो आरबीआई आपको एक आरबीआई यानी आरबीआई की ओर से जो ऑम्बड्समैन है, लोकपाल है, वो आपको अवार्ड भी जारी कर सकता है। यानी आपके फेवर में अगर वो कोई अमाउंट लगता है, यानी जो भी रिलेवेंट एंटिटी है, स्पेसिफाइड एंटिटी है, उस पर कोई प्रकार की पेनल्टी लगानी है या आपको कोई क्षतिपूर्ति दिलानी है, ये सारे पर्टिकुलर प्रोसेस लोकपाल इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन फाइनली अपने पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के रूप में आपको दे सकता है। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट सर, ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ कंप्लेन। आपकी कंप्लेन किस परिस्थिति में आरबीआई द्वारा रिजेक्ट की जा सकती है। यानी पहले तो मैंने बोला कि कब एक्सेप्ट नहीं की जाएगी या एक्सेप्ट करने के लिए मूलभूत शर्तें क्या है। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आपकी कंप्लेन रिजेक्ट कब होगी। तो एक इस स्कीम का एक रूल 16 है जो कहता है रिजेक्शन ऑफ अ कंप्लेन, द डेप्यूटी ऑम्बड्समैन और द ऑम्बड्समैन में रिजेक्ट अ कंप्लेन एट एनी स्टेज इफ इट अपियर्स दैट द कंप्लेन मेड इज नॉट मेंटेनेबल अंडर क्लॉज 10। यानी आपकी कंप्लेन मेंटेनेबल नहीं है और इट इज इन द नेचर ऑफ ऑफरिंग सजेशन और सीकिंग गाइडेंस और एक्सप्लेनेशन। जब आप कोई प्रकार का उन्हें सलाह दे रहे हैं या कोई गाइडेंस मांग रहे हैं या कोई स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सर आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आपकी कंप्लेंट है, वो रिजेक्ट की जा सकती है। कुछ और भी दोस्तों टेक्निकल ग्राउंड है जिनके आधार पर कंप्लेंट रिजेक्ट की जा सकती है, लेकिन मैंने समय ऑलरेडी आपका काफी ले लिया है, तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि यदि आपको जरूरत पड़े तो आप आरबीआई के पोर्टल पर जाकर के उस स्कीम को या इस वीडियो के साथ जो मैंने लिंक शेयर किया है उसके थ्रू उस स्कीम का अध्ययन करें, अपनी एप्लीकेशन की फिटनेस, कंप्लेंट की फिटनेस को देखें। एंड बहुत सी बार सर मैं ये मानता हूं कि बैंकों से या एनबीएफसी के किसी व्यवहार से, यानी किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की ऑपरेशनलिटी से अगर आपको परेशानी है, तो बैंकिंग लोकपाल आपके लिए एक इफेक्टिव रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। ये बात आपको ध्यान रखना है सर कि पहले आपको जाना रिलेवेंट एंटिटी के पास में ही है कि साहब मेरे को आपसे ये कंप्लेंट है। अगर वो आपकी कंप्लेंट सेटिस्फैक्ट्री रिजॉल्व नहीं करते या आपको जवाब नहीं देते 30 दिन में, तब आप इस इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम का बेनिफिट उठाइए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, एकीकृत लोकपाल योजना आरबीआई लेकर के आई है, इससे जनता जनार्दन को अगर उनकी कोई ग्रीवियंसेज हैं बैंकिंग सेक्टर से, एनबीएफसी सेक्टर से, उनके लिए और अच्छा रेजोल्यूशन मिल सके। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर कि आपके फाइनेंशियल एक्सपीरियंस बैंकों के साथ अच्छे रहें, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने की दृष्टि से मैंने आज ये वीडियो आपके समक्ष रखी। आपका फीडबैक, आपके क्वेश्चन हमेशा की तरह वेलकम है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। जय हिंद।